लड़ाई मैंने तेरे को कितनी बार बोला, एक बार जाके सामान लगा दे। बैठी तो थी साथ में, देखो बैठने के लिए अपने आप को बोल रही है, गरम बिखर के दिया और मैं इस देर से बोल रही हूँ वो लगा दे। कमाल का लग रहा है मुझे, 20 पूरा ना, बहुत सुंदर लग रहा है। नौनी देख रही, मेरी एक देख रही है, जैसे फटा हो ये रोने लग गया। भाई होता है ये बेवकूफ बना रही है। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया हैप्पी न्यू ईयर सबको पहले तो, और सब लोग खुश रहें, मज़े करें। और कल का जो हैप्पी न्यू ईयर था, कल रात वाला, वो हमारा फुल धमाकेदार गया। सुबह 4 बजे हम सोए हैं और पायल यहीं बैठी है, और पायल को आजकल क्रैम्प आने लग गए हैं भैया, बहुत ज्यादा क्रैम्प आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और मैंने ना अपने ऐप में देखा था गुड्डू, वो ये कह रहे हैं कि आपको ना पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा बॉडी में, वरना क्रैम्प्स आते रहेंगे। सुबह से 2 बार आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है? डीके शर्मा पहुँच गया है। और डीके कल वाला फिर न्यू ईयर कैसा रहा? मजा आ गया, जबरदस्त। चल ठीक है पाल, मैं निकल रहा हूँ फिर, है ना? ठीक है, थोड़ी सफाई सुफाई कर लो। इसको इतनी देर से मैंने बोला होगा तू, मेरे क्रैम्प आ रहे बार बार ना, मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा वो बच्चा चला गया, वो सारा फैला के तू ठीक कर दे इसको, कम से कम 8-10 बार बोल दिया मैंने। देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये जो गंद है ना, अभी बैठी हूं यार, 2 मिनट पहले बैठी हूं। करा क्या गुड्डू, मुझे क्या बता यार, पूछो तो सही यार। यार न्यू ईयर वाले दिन मत स्टार्ट, वो बोलते हैं ना जो वो करते हो वही पूरे साल करते हो, तू लड़ाई करना चाहती है मेरे से पूरा साल। लड़ाई मैंने तेरे को कितनी बार बोला, एक बार जाके सामान लगा दे। कंधा लग रहा है, कोई आएगा बाहर से अच्छा थोड़ी लगेगा, पूरा घर सेट है वो फैला हुआ है। 10 मिनट रुक जा, मैं अभी नहीं खड़ी हो रही, मेरा मन नहीं, मेरी बात नहीं सुनती। डीके क्या कहोगे इनके बारे में, क्या कहना है अभी? फिर लोग बोलेंगे नहीं आज हैप्पी न्यू ईयर है, और आज नहीं फाइट चलेगी घर में, कल चलेगी। आज फाइट रहने देते हो, सफाई शुरू कर लिया, गोलू सुन लिया जब वो बोले तो। मैंने अब गुड्डू सुबह सारा ऊपर का सेट करवाया है, ऊपर कल पार्टी करी थी हमने, क्रैकर्स वगैरह ये वो सब क्लीन करवाया। मैं भी तो साथ में थी ऊपर, तूने थोड़ी को रखा है कुछ, तो बैठी साथ में, बैठी थी बस, बैठी तो थी साथ में। देखो बैठने के लिए अपने आप को बोल रही है, अभी नहीं पाल, मैं थोड़ी देर में करूंगी, अभी डंडा मत कर, अभी कर अभी कर। तेरी आदत पता है मुझे क्या लगती है, कोई बात होती ना डंडा करती है अभी कर, बंदे का मूड भी होता है कोई सफाई करने का। बाबू जो काम जिस टाइम का होता है उसी टाइम करना चाहिए ना। दे यार गोलू, इसके सामने मत बोला कर, जो ये कहे ना चुपचाप मान लिया कर। ठीक है, मैं अभी 10 मिनट मूड करूंगी, अभी नहीं कर रही। ठीक है, पायल का मन है कि तू अभी खड़ी हो कहते, ये कोई बात होती है कहते खड़ी हो है, ये तो यही हो गया कि ऑर्डर में जो मैं दूंगी वही करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बड़ी भी तो मैं हूँ, हलवा इसने बनाया पहली बार, ये इसने बनाया पहली बार। शक्ल देखो, ये बता रही है क्या, बेइज्जती कर रही है क्या, बेइज्जती कर रही है, पहली बार बनाया है ना। नहीं ये कोई बता, अच्छा सुनो, पहली बार बनाया, बुला बुला के खिला रही है, बुला बुला के फोन करा है स्पेशल भैया को, मोहित को, के ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बुला बुला के। अच्छी बात है ना, गरम बिखर के दिया और मैं इस देर से बोल रही हूँ वो लगा दे, खिलौने लगा दे बच्चे के, गोली लगाए इसे, ये अपनी तारीफ सुनने के लिए गरम करके भी लाई है। कितनी चालू है, कितनी चालू, मेरी सारी बातें बताती है कैमरे में। कल हम जब जा रहे थे ना चीकू को छोड़ने ट्यूशन, उसके बाद हम पौधों के लिए गए थे, तो एक लेडी जा रही थी, ये पीछे वाले रास्ते से जा रही थी, एक लेडी जा रही थी स्कूटी पे, उसने हमें देखा, वापस आई, वापस आके उसने बोला रोको रोक, एक मिनट, तो हमने रोक दी गाड़ी। अब रोक दी, अब वो इतनी दूर से घूम गया, तो हम गाड़ी से उतर के उससे बात करने लग गए, तो कह रही अभी अभी ना अरमान सर लाइव थे, तो अरमान सर ने ऐसे बोला था कि गोलू और पायल ना मार्केट गई है, तो मैं तभी निकल गई घर से कि मुझे कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, और टचवुड आप दिख गए मुझे। फिर कहती के ना आप लोग थोड़ा ना पहले काला धागा का बोला, काला धागा और काला टीका और ये सब करो, क्योंकि नजर लग जाएगी आप लोगों को, ये है वो है बहुत बोला उसने। फिर 5-10 मिनट हम वहीं खड़े रहे, इतना अच्छा लगा, उन्होंने ये भी बोला और कोई फोटो वोटो नहीं ली, सिर्फ हमसे एक बार बात करने के लिए। और हम लोग भी ना गाड़ी से उतर के कोने पे खड़े हो गए, मैंने कहा ट्रैफिक जा रहे जाने, थोड़ी आपको पता थोड़ी सी वन वे रोड है, पर हम भी रुके रहे, हमने बातचीत करी, कह रही है कि आप प्रेगनेंसी में इतना काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, बहुत मोटिवेशन मिलती है, मेरे हस्बैंड बोलते देखो क्या मिलता है इनको देख कर, तो कह रही मेरे को कुछ मिलता है या ना मिले मेरे को इनको देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो मेरी फैमिली को, और बस उम्मीद है कि ऐसे ही प्यार देते रहें। डीके भाई कुछ कहना चाहोगे? हाँ, इसकी ये सौभाग्य की बात होती है, बहुत कम लोगों को नसीब होती है बातें और इतना प्यार, तो सच्ची में गाइज मैं मतलब हमारी फैमिली बिल्कुल एज इट इज है, जैसे आपको कैमरे के सामने दिखती है ना, कि कभी ये नहीं है कि हाँ भाई कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे सामने कुछ और, कसम से। और ऐसे ही प्यार देते रहो आप लोग, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस ऐसा कमाल का लोंडा है ये, ठंड इतनी बार है, खाली सिंगल टी शर्ट में है, तो अभी स्टूडियो से पहले इसको कपड़े दिलवा के ला रहा हूँ मैं, तो अभी हम जा रहे हैं कपड़े लेने। तो भैया बाहर का मौसम इतना जबरदस्त है और शिमला में बर्फ पड़ रही है, तो दिल तो है कि मैं चला जाऊँ डीके को लेके, डीके कुछ लिख लियो चलना बर्फ में, शिमला, हाँ शिमला का टूर करा, ऐसा कुछ लिखेंगे।
कर दें कुछ मजेदार लिख दें। तो भैया डीक्यू के कपड़े दिलवाने गया था, मैंने खुद ले लिया और बहुत ही कमाल का लग रहा है मुझे। 20 पूरा ना सेम है, बहुत ही जबरदस्त। और इस लड़के ने भी लिया, ऐसी शक्ल देख लो बंदर की मेरे भाई की, चश्मा लगा घूमना रात में, क्या बात है। रात वाले चश्मे है और ये भैया सर्दी में नारियल पानी पीने का भी मजा कुछ और है, अलग ही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये भाई ने ना जो गिफ्ट दिया है मुझे आज नए साल पे, माशाल्लाह लग रहा हूँ कमाल। मेरे लिए कमेंट कर देना आप लोग जैसा भी लग रहा हूँ। नहीं, बहुत शरीफ भाई है मेरा, बहुत सिंपल रहने वाला है, पर इसको हीरो बनाएंगे अब, सोच लिया आज। देख रहे हो डीके का इतना दिमाग चल रहा है, वहाँ है नारियल का स्कैनर, यहाँ से स्कैन कर रहे हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए स्टूडियो और ब्राउन के साथ खेलूंगा मैं टेबल। जतिन भाई आ रहे हैं ऊपर से, उनकी थोड़ी सी तबीयत हल्की पड़ रही है और उसके बाद गाना करेंगे डब। तो गाइस आज हमने काम किया है, जतिन भाई को पता है अभी गाना डब करते हैं और एक गाना और लिख दिया, और गाना इतना खतरनाक है, थोड़ा सा गाली गलौच वाला है, थोड़ा सा देख लेना मेरे अंदर की फीलिंग है जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं उनके लिए गाना, क्या बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है वो, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब यार देखो हर एक हेटर के घर जाकर तो नहीं बोल सकता मैं, गानों में बोलना शुरू कर देंगे ये चीज है, गाने पसंद ना पसंद करना तो हाँ उनकी मर्जी। देखो आजकल हर घर में गाली गलौज चलता है, आजकल ट्रेंड हो गई है गालियाँ, तो हम भी ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्या बोलते हैं। बीसी तो आम बात हो गई है, तो निकलते हैं भैया घर की तरफ। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गया हूं और गोलू पर शोर ही होंगी क्योंकि ना इस टाइम बज गए हैं नियर अबाउट 1 बजने वाला है। और डीके आ गया है पीछे से लड़का और कपड़े लेके आए हैं हम अभी, तो चलते हैं। ठंड हो रही है डीके पूरी शॉपिंग करके, इस ठंड में अगर तू नहा के ठंडे पानी में घूम सकता है। अरे उन्ना लिख के वाला पानी कंधों पे घूम सकता हूँ कंधों पे। तो भैया थोड़ा सा काम का माहौल बिजी रह गया है तो थोड़ा सा व्लॉग नहीं बना पा रहा मैं आजकल, पर हाँ ये वादा है कि चीज़ें मज़ेदार कर रहा हूँ। बहुत ही गर्व महसूस करोगे तुम्हारे छोटे भाई पे। बढ़िया से जूते लेके आया मैं, चश्मा देखे कितना अच्छा लगा के देख, व्हाइट कलर का है, देख लियो कैसा है, भारी अच्छा लग रहा है। हाँ सुंदर है, नाइट सूट पे क्या फिर नाइट हो जाए, क्या हो अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जूते कपड़े भी आपने नई नई पहनी है, और क्या ऐसा ही हूं मैं, हीरो हूं वैसे, मैंने देख ली थी आपकी रील। चलो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जूते, आप ये सही है ये कलर लिया है क्योंकि आपके पास ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, सारे कलर है, सिर्फ रेड जूते नहीं थे, है ना, बाकी सारे कलर है आपके पास, ऐसा कोई भी जूता बहुत सुंदर लग रहा है। कौन सी कंपनी बता, ये है प्यूमा। आप देवी जी उठ गए, मैं सोई नहीं थी, कुछ खाने का दिल कर रहा, पालक पनीर ले नहीं खा ले बेटा, तबीयत खराब सी हो रही है, मन सा नहीं कर रहा मेरा पालक का दोनों का। गुडू ये बहुत सुंदर लग रहा है आपका, और ले आते ऐसा, ऐसे तो आप और ले आओ, मैं कहती हूँ ये गुडू देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने 5 पीस मंगवा लो अलग अलग कलर के, टी शर्ट भी बहुत बढ़िया लग रही है, खुली खुली सी, मतलब आप वही वाला स्टाइल है ना, कुछ कुछ पहले आप खुले पहनते थे, दिखाओ खुले पहनते बहुत खुले पहनते थे, नहीं ऐसा नहीं है, अब क्या है कभी कभी कपड़े फिटेड भी अच्छे लगते हैं। मैंने भी आज अपना लुक चेंज किया है, देखो मेरे को पहचान में नहीं आ रहा मैं। तो गाइस नियर अबाउट ना 1 बज गया है, चीकू जाग रहा है और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, लड़का सोया क्यों नहीं अब तक, इसने नहीं सोने दिया, मैंने क्या नहीं सोने दिया, मैं किसने ये बोले थे, बचपन की बातें कर रहे थे कि ये हमारे बचपन में होता करता था, हम ये भाई बहन क्या करते थे, हम वो करते थे। किसने जगाया बेटा, नाम बता, किसकी तरफ उंगली है, मेरी तरफ कर रहा है उंगली, दोनों की तरफ, ये दोनों मिलके मेरी तरफ कर रहे हैं, बात तो मैं कर रही थी पर इसने बात ये कर रही थी, अगर ये नहीं करती बात तो ये सो जाता अब तक। मैं ऐसे एक बात छेड़ी थी, एक बात के पीछे 10 बातें छेड़ गई, मैंने तो एक छेड़ी थी, 9 इसने करी थी, 9 नहीं देख रही मेरी, एक देख रही है, टाइम तो देख लेना कितना हो रहा है यार, मैं बाहर घूम रहा, मैं इसलिए थोड़ी घूम रहा हूँ कि तुम जागते नहीं, बस सोने लगे, एक आदमी जाग रहा है ना, अपनी मर्जी से क्यों नहीं सोता, इसको भी टाइम से सुला देते हम। इसको ना मैं बताती हूँ, इसको भूख लगी थी बहुत तेज, तो मैंने पहले इसको दाल चावल दूध पिलाया, फिर नहीं पहले मैंने इसको पहले चावल पिया, पहले दूध, फिर इसको और भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से इधर उधर घूमता है, सुबह कुछ खाता नहीं है, फिर इसको ब्रेड जैम ब्रेड न्यूट्रेला ब्रेड जैम ब्रेड न्यूट्रेला ये खिलाया, फिर दूध पिलाया। तो गाइस देख रहे हो ना, बच्चे को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है और ये बात आज साबित हो गई है, सुधारने के लिए पापा होते हैं ना, तो बिगाड़ने के लिए कोई तो बस अब सुधार लो, इसको सुला दो। जूते देख लिया ना, जूते तो बहुत बढ़िया है। तो भैया यहाँ पर डीके भाई कर रहे हैं रात का डिनर लंच, क्या बोलते हैं, डिनर कर रहे हैं। ये पायल खड़ी हो गई है और रात के 2 बजे चाय पी रही है, पायल चाय की दीवानी इतनी क्यों है तू? मेरे को ना एक्चुअली क्या नींद नहीं आ रही आज। अच्छा मैं और देखो डीके भी चाय पी रहा है, तो मैं और ये जा रहे हैं बाहर कुल्फी खाने, ठीक है जाओ चल रही है। मैं हाँ। ना मैं नहीं, मेरे को मारोगे ठंड में, बच्चे हैं दो। तो गाइस रात के बज गए 2 और अभी अभी पायल ने आइसक्रीम ऑर्डर की है और हम वेट कर रहे हैं, डीके भी वेट कर रहे हैं, सर्दी में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ना बालकनी में बिठा के खिलाऊं ठंड में,
और धक्के से खिलाऊंगा, ना खाए इनको घूसे मारो दो दो। भाभी पता है क्या बोल रहे भैया कि डीके तू ठंडे पानी में ना के ऐसे मौसम में घूम लेगा बाहर? मैं क्या घूम लूंगा, क्या दिक्कत है? बोला कैसे, मैं कंधों पे घूम लूंगा, कंधों पे उठाना पड़ेगा, मर जाएगा बंदा और क्या करेगा। नहीं उस दिन याद नहीं मंदीप भैया है, मंदीप बना लिया था 5,000 रुपए दिए, कितना ठंडा होता है वो पानी की, मतलब इतना तो मौसम भी ठंडा है फिर तो। मंदीप को मतलब मंदीप 5,000 रुपए दूंगा, ऊपर टूटी सा पानी ना लेगा, करे ना लूंगा ना लिया वो कितने मतलब फुल सर्दी में। अरे अभी की बात है 2 दिन पहले की, ठंड में आइसक्रीम कौन खाते है बेटे? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो वो कुछ भी खा सकती है किसी भी टाइम। तो तू खा रही है? मैं थोड़ा सी चख लूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो भैया व्लॉग कंटिन्यू है और चाय और साथ में ऑमलेट आ गया है, और रात को लेट हो गए थे, आइसक्रीम फिर मैंने कैंसिल कर दी, मेरा गला वाला खराब हो जाएगा, तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो भैया चाय के साथ निपटा देते हैं छोटा सा प्यारा सा ब्रेड ऑमलेट। तो भैया सुबह सुबह स्वाद आ गया है, इतनी जबरदस्त चाय बनाई है पायल ने, और पायल बैठी है पीछे। हाँ भी लड़की, क्या हुआ ना, काफी टाइम से ना अरमान जी को चाय अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ चाय, तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा आपको नाश्ता करा दूँ, इन्होंने कहा हाँ करा दे, तो इनको ब्रेड और एग के साथ वो बनाया, मैंने टोस्ट बनाया साथ में चाय बनाई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह चश्मा इसलिए बोला था मैं ही लगाऊंगा। हाँ, अच्छा, फिर मैंने इसको ये बोला कि नहीं तू पापा के चश्मे खराब कर देते। मैंने आज ये बोला था कि जो अलमारी में ना फालतू फजूले चश्मे है ना उनको कहीं साइड रख दे, क्योंकि मैं जब ढूंढता ना मुझे चश्मे नहीं मिलते। एक बात बताऊँ आपकी, आपकी भी गलती है, आप चश्मे लगाते हो और गाड़ी में इधर 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 पीछे कहीं रख देते हो, फिर बाद में जब ढूंढते हो तो मिलते नहीं है। वजह क्या? वजह ये आप भूल जाते हो। शीकू ये वाला चश्मा कैसा लग रहा बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये उसकी तरह लग रहा है गुडू, एक मूवी में शाहिद कपूर ने पहना है ना, वैसा लग रहा है। खा ले चीकू। नहीं खाता। एक काम करो, गर्म पानी पिला पहले। एक तो इसके सॉक्स थे, स्वेटर दे, गरम पानी दे इसको एक ग्लास। हाँ सर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? हाँ, गई। तबीयत ठीक है? हाँ, एकदम बढ़िया। और कुछ नहीं ताजा? कोई नहीं ताजा। चीकू सारे काम छोड़ दे बेटा, पहले पानी वानी पी ले, उसके बाद जो ड्रामे करने कर लियो। तो अभी हम बातें कर रहे थे, क्या था ना कि नए साल वाले दिन ना जो बैलून थे ना वो 2023 के, तो ये चीकू लेके घूम रहा था, तो मैं बोला इसको नीचे मत लेके जा, तू फाड़ के ले आएगा, और वही क्या पाल इसने, है ना, मतलब इसको जो बोलते हैं ना वो ये होता ही होता है। जैसे अगर चीकू के पापा ने बोल दिया ना बेटा ग्लास मत उठा ये गिर जाएगा, ये होगा ही होगा, मतलब 101% होगा। तो ये ना नीचे आया, मेरे सामने की बात है, पायल वॉशरूम में थी, यहाँ खड़ा था डस्टबिन के पास, तो कहता मम्मा चॉकलेट लेके जानी है ऊपर, मैंने कहा ले जा, इसके हाथ में बैलून था, इसने ऐसे कुछ किया और बैलून फटा, जैसे कैसे क्या था, कुछ ऐसे ही करा था, कहता दो नंबर होगा ना, दो नंबर को ऐसे किया होगा, वो फट गया, जैसे फटा ओहो ये रोने लग गया बहुत तेज तेज, मम्मी मेरे तो इतना दिमाग नहीं आया कि मैं इसको जोड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा रो रहा। तो मैंने क्या किया, जगह भैया फोन किया, मैंने कहा हेलो भैया आप कहाँ हो? कहते भाभी मैं तो घर के पास हूँ। मैंने कहा मैं किसको भेजूं? मैंने सोचा मैं दो नंबर सेब मंगवा लेती ताकि आपको पता ना चले हम सेब मंगवा लेते हैं, तब तक आ जाएगा। फिर पायल आई, पायल ने फिर जोड़ा टेप से। ये मानता नहीं है किसी की बात नहीं, इसकी गलती नहीं है। और किसकी गलती है? गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा है ना, तो इसको टोकने के बाद वो चीज खराब हो जाती है। गंडमूल नहीं हूं मैं बेटा, जो गंडमूल वो होता है जो शरारती बच्चे होते हैं ना जो मूलों में पैदा होते हैं, वो गंडमूल क्या होता है, नॉर्मल बच्चे से थोड़े शरारती होते हैं, जैसे चीना है वो भी गंडमूल है, वो गंडमूल है। हम तीनों में इतनी चोट खाती है, इतनी चोट खाती है, इतनी चोट खाती है, जैसे उसको क्या बोलेंगे, चीना सामने मत जा, राइट मत जाइयो तो गिर जाएगी, वो राइट ही जाएगी, वो गिर के आएगी। पहले कोई पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं फिर ऐसे घूमते हैं? फर्स्ट में आने वाले हैं। ABCD आती है इसको पूरी, मम्मा ABCD बच्चों का काम। चलो ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा पूछती हूँ चीकू। 4+1 क्या? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, 3+2 5 3+2 6 वेरी गुड। 3+2 5 होता है, ये बेवकूफ बना रही। अच्छा मेरे 5 बोल रहे हैं कि 6 नहीं नहीं 3+2 5 होता है, -1=5 क्या? -1=5 माइनस क्या, ये क्या बोल रहे गुडो? चल एक बात बता, 78 नहीं नहीं मेरे से नहीं, मेरे से नहीं, बता बता कितने? 78 29 देखो कैलकुलेशन उपाय ना कर दिया, देखो ठस्से में। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं, और ऐसी दो चार ड्रेस और लेके आता हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, ले आओ। हाँ भी ले आऊँ।